आज गोरखपुर में कई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद करने का ऐलान किया। इसी को लेकर गोरखपुर में भी कई पार्टियों ने बंदी कराई और बाजार बंद करा रहे लोगों ने पुलिस की भी नहीं सुनी। वहीं गोरखपुर बंद करा रहे लोगों का कहना है कि पुलवामा में जो सैनिकों की मौत हुई है उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए और शहीदों के परिवारों का जीवन भर का खर्चा सरकार दे। और भारत की केंद्र सरकार छात्रों के हित में काम नहीं कर रही है, 200 पॉइंट रोस्टर खत्म करके 13 पॉइंट रोस्टर किया जाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनते ही सड़कों की व्यवस्था को ठीक करने के वादे तो किए गए थे, लेकिन सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई है। यहाँ लोगों का कहना है कि वो अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और अक्सर यहाँ पर फिसलते रहते हैं। इसके अलावा कुछ कारोबारियों ने बताया कि यहाँ पर वो बहुत सालों से अपना कारोबार जमा कर बैठे हुए थे, लेकिन सड़क के हालात लगातार बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह बागपत कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और उन्होंने यहां योजना का उद्घाटन भी किया। साथ ही पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए कायराना हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए की गई एयर सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए जा रहे सवालों पर बागपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वर्षों तक विपक्ष में रही और हमेशा देश की सेना ने एक के बाद एक जौहर दिखाए, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता ने कभी सेना या पुलिस से कोई सबूत नहीं मांगा। सहारनपुर में मकान की समस्या हल न होने पर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, तो वहीं युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस युवक को समझाने में जुट गई। युवक ने ग्राम प्रधान और लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार, इस स्लोगन के साथ आज अयोध्या में भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हो गई है। योजना के तहत सरकार का उद्देश्य असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना की है, जिसमें आज अवध विश्वविद्यालय के संत कबीर सभागार में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी मजदूर, दर्जी और अन्य छोटे श्रमजीवी मौजूद रहे। इस दौरान श्रम उपायुक्त राजेश कुमार और सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत हुई है, जिसमें गरीबों मजदूरों को 60 साल के बाद से हर महीने 3000 रुपए की पेंशन देने की योजना को मूर्त रूप दिया गया है। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाना के 96 ब्लॉक के ग्राम पंचायत अर्घी संपत्ति गांव में आजादी के इतने दिनों के बाद भी कोई पक्की सड़क न होने से ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में, जिसमें गांव के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जिस गांव में रोड नहीं उस गांव में वोट नहीं का नारा लगाया। माना में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की 6 मोटरसाइकिल, चोरी ट्रैक्टर और कारतूस समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर धौलाना के विधायक असलम चौधरी के साथ आज कई गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। धरना अनिश्चितकालीन चलने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि मसूरी थाने के पास 42 बीघा जमीन है, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है और यहां पर कुछ निजी बिल्डर कब्जा करके प्लॉट काटने का काम कर रहे हैं। इस बात की शिकायत पहले भी पुलिस को की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके चलते विधायक और गांव वाले धरने पर बैठ गए। मधुबनी जिले के पुलिस कप्तान ने आते ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। चोरी का मोबाइल और लैपटॉप के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी तबके के लोगों में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके शहरवासियों को चैन की नींद सोने का संदेश दिया है। आज रोहतास जिले के डेहरी में जदयू कार्यकर्ताओं ने देश विरोधियों का अर्थी जुलूस निकाला। खासकर कांग्रेस के नेताओं का विरोध किया गया। डेहरी बाजार में निकले इस अर्थी जुलूस में लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में ये अर्थी जुलूस निकाला गया। अर्थी जुलूस निकालने वालों का कहना है कि कांग्रेस के कुछ नेता पाकिस्तान परस्त हो गए हैं और लगातार अनर्गल बयानबाजी से देश की सेना का मनोबल गिरा रहे हैं।
पीलीभीत के पूरनपुर में अधिकारियों का अलग ही नजरिया देखने को मिला है। आपको बता दें कि पूरनपुर तहसील में मंगल दिवस रखा जाता है, जिसमें फरियादी अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखते हैं, पर यहीं अधिकारी फरियादियों की समस्या को सुनने की जगह फोन में व्यस्त दिखाई दिए। कोई मोबाइल पर बातचीत में व्यस्त था तो कोई मोबाइल चलाने में। ऐसे में जनता भला कैसे अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखे। वहीं इस मामले में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने अपनी कमी को छुपाते हुए बोल दिया कि जरूरी कॉल थी और कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। भारत बंद के समर्थन में महागठबंधन के अलग अलग दलों के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। बक्सर के ज्योति चौक, अम्बेडकर चौक और सिंडिकेट के पास झंडा बैनर लिए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, तो वहीं बंद की वजह से शहर में यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। मामला सासाराम का है, जहां दरिंदों ने किशोर की हत्या करके उसका गुप्तांग भी काट दिया। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक मैट्रिक का छात्र था और बीते रात घर में ही था, लेकिन देर रात किसी ने फोन करके उसे बुलाया, लेकिन जब वो सुबह नहीं लौटा तो लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी, जहां गांव के बाहर किशोर का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला सासाराम का है, जहां ऐतिहासिक नवरत्न महल में 5 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। गौरतलब है कि बच्ची आंगनवाड़ी से पढ़कर अपने घर जा रही थी, तभी अज्ञात लोगों ने बच्ची को 200 के नकली नोट का झांसा देकर न्यू रहुई रोड स्थित सुनसान इलाका नवरत्न महल ले गए, जहां छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बनारस के अस्सी घाट पर पर्यटकों को एक बड़ा डर सता रहा है और वो है आवारा पशुओं को, जहां योगी सरकार ने अल्टीमेटम देकर 30 जनवरी तक आवारा पशुओं को कांजी हाउस में भेजने की बात कही थी। वहीं बनारस के नगर निगम को इसकी कोई परवाह तक नहीं है। चारों तरफ सड़कों पर, घाटों पर आवारा पशु घूमते नजर आते हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है, जहां तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच कलह के बाद पारिवारिक विवाद सामने आया था। वहीं अब इस पर डुमराव से जेडीयू विधायक ददन यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू और तेज प्रताप साधु हो गए हैं, ऐसे में तेजस्वी की शादी ऐश्वर्या से करवा कर घर की इज्जत घर में ही रख लेनी चाहिए, ऐसा यादव परिवारों में होता आया है।